एसएन मेडिकल कॉलेज के सर्जरी विभाग में फादर ऑफ सर्जरी आचार्य श्रुति की मूर्ति स्थापित की गई है। आचार्य सुश्रुति ने पूरी दुनिया में पहली सर्जरी भारत में की थी। आचार्य सुश्रुत को पूरी दुनिया फादर ऑफ सर्जरी अर्थात शल्य चिकित्सा का जनक मानती है। उन्होंने विश्व की सबसे पहली राइनोप्लास्टी का वर्णन किया था। वह अपने समय के महान शरीर संरचनाएं, बाल रोग, स्त्री रोग, नेत्र रोग और मनोरोग चिकित्सक थे। हमने सुश्रुत जी की मूर्ति अपने डिपार्टमेंट में स्थापित करी थी। सुश्रुत जी वो हैं जो एक तरह से हमारे पूरा भारतवर्ष में सर्जरी के स्थापक हैं। उनकी ने इतनी पद्धतियाँ डेवलप करी जो आज शायद एक अकेला आदमी कभी नहीं कर सकता। वो पहले थे जिन्होंने राइनोप्लास्टी स्टार्ट करी। पहले क्या होता था कि जो ट्रायल्स मतलब जो कैदी या कुछ होते थे उनकी नाक काट दी जाती थी। सुश्रुत जी ने टेक्निक डेवलप करी 600 BC कितना टाइम पहले, जिसमें आर्टिफिशियल नाक प्लास्टिक सर्जरी जो आज को हम प्लास्टिक सर्जरी कहते हैं उसके द्वारा उन्होंने मरीजों में नाक लगाई थी। इसके अलावा उन्होंने फ्रैक्चर्स जो विभिन्न विभिन्न प्रकार के फ्रैक्चर्स हैं, आँखों का ऑपरेशन है, सब उन्होंने नई पद्धतियाँ डेवलप करी थी। आज की पीढ़ी को उनके बारे में बताने के लिए और अपने इतिहास पर गर्व करने के लिए उनकी मूर्ति एसएन मेडिकल कॉलेज के सर्जरी विभाग में डॉक्टर जूही सिंगल, डॉक्टर प्रशांत गुप्ता के साथ स्थापित की। डॉक्टर जूही सिंगल पूर्व विभाग अध्यक्ष सर्जरी विभाग हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में नेशनल और इंटरनेशनल सर्जरी की कॉन्फ्रेंस सफलतापूर्वक कराकर आगरा का मान सम्मान बढ़ाया है। सी न्यूज के लिए लक्ष्मीराज सिंह की रिपोर्ट।